इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 14 के शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट के बाहर। आप देखें शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट डीडीए का बनाया हुआ, लोग इसमें रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस से संबंधित जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज डीडीए के अधिकारियों का यहाँ पे दौरा होने वाला है, साथ में द्वारका फोरम के सदस्य मौजूद होंगे और लोकल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो इसमें शिरकत करेगी। आपको दिखाते हैं पूरा दौरा और साथ में आपको सुनवाते हैं यहाँ के लोगों के जो दुख तकलीफ़ें हैं वो क्या हैं और साथ में डीडीए अधिकारियों ने किस तरह से और क्या आश्वासन इन लोगों को दिए हैं। आइए देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं है। जितने भी डीडीए के फ्लैट्स हैं उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, खासकर मेंटेनेंस को लेके। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक स्टैंड लिया है कि 2010 से पहले जो अलॉट हो चुका है उसमें मेंटेनेंस वो नहीं देंगे, बिकॉज उसके लिए उन्होंने फ़ंड क्रिएट नहीं किया था। लेकिन जितने भी फ्लैट्स हैं जो 2010 के बाद अलॉट हुए हैं उसमें उसके मेंटेनेंस के प्रोविज़न हैं, जिसमें से एक शहीद भगत सिंह भी आता है। इसीलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया था और आई एम वेरी हैप्पी ग्लैड कि वो खुद शैलेंद्र कुमार जी आए, अपने पूरे टीम के साथ आए। हमारे रोबिन भाई बड़े पुराने सहयोगी हैं और यहाँ के RWA लोगों ने सब मिल के देखा है। देख के तो यही इम्प्रेशन लग रहा है प्रमा फैसाई कि काफ़ी फ्लैट्स में समस्याएं हैं, अगर इसको इमिडिएटली एड्रेस नहीं किया गया तो कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें उनके संज्ञान में लाया गया और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि उन्होंने खुद कहा है कि इस चीज़ को हम इमिडिएटली सॉर्ट आउट करेंगे। और हमने दो तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश करी है कि एक तो शॉर्ट टर्म क्या होगा जो इमिडिएटली एक्सीजेंसी है, और एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि प्रपोजल जो है इनका मूव हो चुका है, उसमें चूंकि अमाउंट काफ़ी इन्वॉल्व है और ये मेंबर इंजीनियरिंग के लेवल पे होगा या VC के लेवल पे होगा, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बट सिमल्टेनियसली इस बात पे एग्रीमेंट हुई है कि जो इमिडिएटली एड्रेस करने का जो है वो शैलेंद्र कुमार जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उसको अपने पर्सनली मॉनिटर करके और वो अपने टीम के साथ इंश्योर करेंगे कि क्विकली ये शॉर्ट टर्म का इशू जो है रिजॉल्व हो जाए। देखिए, DDA काम करने के लिए बाध्य होगी क्योंकि RWA बहुत एक्टिवली इसको कर रहा है। शुक्ला जी और इनकी पूरी टीम इसको इनिशिएट कर रही है, साथ साथ जो रेसिडेंट्स हैं वो भी, उनका प्रयास है कि यहाँ पर काम हो। अभी मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा एस्टिमेट DDA ने लगाया है, 18,48,284 रुपये का एस्टिमेटेड कॉस्ट था, जो 12,16,910 रुपये में ये अवार्ड हुआ है। इसको ताराचंद सुमित कंस्ट्रक्शन ने एजेंसी है जिसने ये काम लिया है। इसके अंतर्गत 140 छज्जे की रिपेयरिंग, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जो किसी के ऊपर गिरेगा तो हादसा होगा। अभी आपने देखा होगा राउंड लेते हुए, एक विनीत पाल सिंह जी हैं, उनकी छोटी सी बच्ची काशवी, उनके सर पे छज्जा गिरा था, वो बच्ची बच गई, भगवान का शुक्र है। इसी तरह से जो सीढ़ियों का एरिया है वो भी गिर रहा है। ऐसे में हम लोग केवल DDA से निवेदन ये कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी, जो पहला आपने छोटा टेंडर लगाया है, कम से कम इसके तहत आप 140 छज्जे और सीढ़ियों का काम तो जल्दी से जल्दी कराएं। अब इस वर्क ऑर्डर को अवार्ड हुए हुए 9 महीने से, आप देखें 4 महीने बीत चुके हैं, 24/9/2020 का अवार्ड लेटर है, 4 महीने बाद भी यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ है सही तरह से। थोड़ा बहुत काम हमें बताएगा कि 2-3 सीढ़ियाँ हमने की हैं, 4 महीने में अगर 3 सीढ़ियाँ हुई तो 140 छज्जे होते होते तो इंसान की उम्र बीत जाएगी। इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं। RWA असिस्ट कर रही है, रेसिडेंट्स असिस्ट कर रहे हैं और द्वारका फोरम और ऑल द्वारका रेसिडेंट्स फेडरेशन भी अब इस मामले को चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हो। तो मैं तो क्षेत्र के जो सांसद हैं साहब सिंह वर्मा जी के जो सुपुत्र हैं प्रवेश वर्मा जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी रेसिडेंट्स के हित में जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम कराने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी जो मंत्री हैं उनको मिले, RWA को साथ लेके, द्वारका के और एसोसिएशंस को साथ में लेके, जिससे कि यहाँ पे काम सही तरह से हो। सर, ये समस्या तो DDA की बहुत पुरानी है, 2011 के ये अलॉटमेंट है और 2011 में जब हमें अलॉटमेंट मिला था तो उसमें साथ में एक रिपेयर का एक टाइम चार्ट भी दिया गया था, पर उसके हिसाब से अभी तक काम नहीं हुआ है। एक प्रोजेक्ट 2018 में इंस्पेक्शन हुआ था सोसाइटी के लिए,
तो ब्लॉक नंबर 2 में जब इंस्पेक्शन गया था तो उसकी कॉस्ट करीब 20.5 करोड़ आई थी। उसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबसे लगातार हम 2 सालों में लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी आप लोगों के सहयोग से, द्वारका फोरम ने भी आज इसमें इंटरफेयर किया है, सभी लोगों के सहयोग से हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा पाएँ। और ये कम से कम 2 साल हो गया इसको टूटे हुए भी, और रिपेयरिंग के लिए काम भी दिया हुआ है, DDA की तरफ से गया भी हुआ, लेकिन वो काम अभी तक ठेकेदार ने शुरू नहीं किया हुआ है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले की। तो अगर जब तक ये काम नहीं होगा, बच्चे भी बाहर नहीं खेल सकते, आप बताइए, मतलब 2 कमरे में बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे इसी चक्कर में 1 साल घर निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी मेरी छोटी है, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था। तो अब ये दिक्कत है, अब ये आप कब तक सॉर्ट आउट करते हैं आपकी बता दीजिए। DDA के तमाम अधिकारियों के दौरे को आपने देखा, साथ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम जो द्वारका के लोग, रॉबिन शर्मा जैसे जो समाज सुधारक और चिंतक हैं, वो लोगों ने यहाँ की समस्याओं को देखा परखा। DDA ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही यहाँ की जो दुख तकलीफें हैं, यहाँ की मेंटेनेंस से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा और ठेकेदार बहुत आगे बढ़ के इस काम को करेंगे और जल्दी ही शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान सुनिश्चित किए जाएंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।